जो करता है वो आप जानते ही हैं, लेकिन कम से कम वो ब्राह्मण की या कोई साधु महात्मा की शरण लेता है किसी न किसी बहाने से, तो उसको थोड़ा बेनिफिट मिलता रहता है, ये लोग सलाह देते रहते हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था है, जायते संभवा शूद्रा, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं। शूद्र क्या, यानी जो तमोगुण में, अंधकार में, अज्ञानता में जो ज्यादा है उसको शूद्र कहते हैं। शारीरिक दृष्टिकोण जिसको ज्यादा है, आत्मज्ञान नहीं है उसको क्षुद्रमति कहो, शूद्र कहो, जो भी। लेकिन एक शूद्र इसी जन्म में ब्राह्मण भी बन सकता है और चारों वर्णों से ऊपर एक शुद्ध भक्त भी बन सकता है, सभी उसके लिए दिशाएं खुली हुई हैं, शूद्र के लिए भी, बणिए के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी, क्षत्रिय के लिए भी, ब्राह्मण के लिए भी, उस भगवान का रास्ता सबके लिए खुला है। जैसे बच्चा अज्ञानी होता है इसलिए शुद्ध सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्म से तो सभी शुद्ध होते हैं, अज्ञानी होते हैं, ज्ञान नहीं होता है बालक को। आग को पकड़ने के लिए जाता है, मां नहीं बचा तो जल जाए, कुआं सामने हो तो कुआं में गिर जाए, कूद जाए, आ करके गिर जाएगा कुएं के अंदर, ज्ञान नहीं है उसको किसमें जाके मैं मर जाऊंगा एक पल में। काला नाग को पकड़ लेता है, वो तो कृपा है उस काले नाग की या उस परमेश्वर की, जो बच्चे को कहते हैं बच्चे को नाक काटता नहीं, नाक को बहुत ज्ञान होता है, लंबी उम्र होती है, वो जानता है कि बालक है, छोड़ दो, नहीं काटता। चैतन्य महाप्रभु भी बालक थे जब काले नाग उनका उनके घर के आसपास कहीं काला नाग निकल गया, लंबा लंबा चौड़ा, होते हैं उधर बंगाल वेस्ट बंगाल में, उन्होंने पकड़ लिया वो और उससे बात कर रहे हैं और नाग भी बात कर रहा है और ये बातें सुनी लोगों ने, वो बच्चा बात कर रहा है अपनी लैंग्वेज में, आ, 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 और वो नाग भी जवाब दे रहा है जीभ निकाल निकाल के। तो एनीवे उस परमेश्वर के हुक्म बिना कोई किसी को ना तो काट सकता है ना मार सकता है। यहां परमेश्वर का हुक्म है कि अर्जुन मार इनको, तो भगवान का हुक्म अर्जुन को मानना पड़ेगा। अब तो शिष्य बन गया, मारना ही पड़ेगा, लेकिन अर्जुन को अब वो सारी स्मृति वापिस हो जाएगी जिससे वो पूर्ण रूप से भगवान को पहचानेगा, अपने कर्तव्य को पहचानेगा। ये ज्ञान है, हम सभी अपने अपने कर्तव्य को पहचानेंगे, उस परमेश्वर को पहचानेंगे, आत्मज्ञान पैदा होगा, ये सत्संग की महिमा है। जय गुरु। जय गोपाल। भगवान समस्त प्राणी मात्र के लिए गीता में एक जगह कहेंगे, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। इस संसार में भटके हुए प्राणियों को जो दुखों में पड़े हैं, अज्ञान अंधकार में पड़े हैं, ना समझी में पड़े हैं, वो आत्मज्ञान का होना प्रत्येक का धर्म है, आत्मज्ञानी होना। एक महात्मा का ही धर्म नहीं है, एक सन्यासी का ही धर्म नहीं है, वानप्रस्थी का भी धर्म है, गृहस्थी का भी धर्म है, ब्रह्मचारी का भी धर्म है कि वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो, उसको आत्मज्ञान मिले। और आत्मज्ञान जब जान जाए तो उस आत्मज्ञान को रियलाइज करे, आत्मविज्ञानी बने, उसको रियलाइज करे, उसका साक्षात्कार करे, उसका अनुभव करे कि वास्तव में मैं आत्मा हूं क्या, उसका अनुभव करे।
एक चाइनीज संत, बुद्धिस्ट चाइना के, बुद्ध भगवान के मिशन के एक संत, 100 वर्ष की अवस्था पूरी करके और गुजरने वाले थे, शरीर त्यागने वाले थे। उन्होंने अपने खास खास शिष्यों को बुलाया नजदीक और उनको कहने लगे, दो बात कहने लगे। पहली बात तो उन्होंने कही कि मैं अभी आज चला जाऊंगा, कुछ घड़ी का ही मेहमान हूं, लेकिन आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं। जब मैंने जन्म लिया था तब मेरे मुख में जबान थी, जिव्या, और आज मैं ये शरीर त्याग कर जाने वाला हूं तब भी ये जिव्या है, लेकिन जब मैंने जन्म लिया था तब एक भी दांत नहीं था, और आज जब 100 वर्ष की अवस्था में मैं ये शरीर को त्यागना जरूरी हो गया है, तब सोच रहा हूं कि एक भी दांत आज भी नहीं है, इसका क्या कारण है? शिष्य लोग तो करुणा से और थोड़ा सा गंभीर हो गए थे, गुरुजी आज शरीर त्यागेंगे। कहने लगे, गुरुजी सारी जिंदगी आपने हमको उपदेश किए हैं, अंत समय आप बतला ही रहे हैं, तो अंत समय में आप ही कुछ आदेश कीजिए, उपदेश कीजिए, जिससे हमारा भी भला हो, और आप ऐसी बात कर क्यों रहे हैं कि आज जा रहा हूं? कहां जा रहे हो छोड़ के हमको? आप बोलता है, अगर तुम कहते हो तो मैं ही बतलाता हूं, क्योंकि मैंने जब जन्म लिया था मां के गर्भ से, पेट से, तब मेरे मुख में जिव्या थी, जब से मैंने होश संभाला है मैं इस जिव्या को देख रहा हूं, लेकिन दांत नहीं थे, और आज मैं मर रहा हूं फिर भी ये जिव्या तो है लेकिन दांत नहीं है। उसका मैं यही कारण समझ पाया हूं कि दांत इतने कठोर होते हैं, इतने कड़क होते हैं कि अच्छे अच्छी चीज को चबा जाते हैं, तोड़ डालते हैं, कच्चा चना हो, मटर हो, उससे भी कठिन कोई और चीज, सुपारी हो, तोड़ डालते हैं। और ये जीव इतनी नरम है, लोचक है, जिसकी हद नहीं, इसलिए ये आज मेरे साथ ही है, दांत नहीं है। इसका रहस्य यही है मेरे शिष्यों, मेरे पुत्रों, कि इस संसार में तुम लोग रहना, लेकिन इतने नम्र बन के रहना जितनी ये जीव नम्र है, तो तुमको हर कोई भी सारे जीवन अपने पास रखेगा, सारे जीवन भर आपको सब लोग बुलाएंगे कि आइए आइए आइए, लेकिन दांतों की तरह अगर तुम कड़क हो गए, अहंकार में भर गए, अकड़ के चलने लग गए कि हम तो सन्यासी हैं बुद्ध भगवान के, तो तुमको इस समाज छिटका देगा, भगा देगा। बोलो, सन्यासी के अंदर इतनी अकड़ कहां से आ गई? ये अहंकारी सन्यासी क्या करने का उसको बुला के? कोई नहीं बुलाएगा तुमको। ये सबके लिए अप्लाई होता है नम्रता। भगवान कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन, हे प्राणी तो उस महात्मा के पास जा जो मुझे तत्व से जानता हो, और उसके चरणों में साष्टांग गिर करके दंडवत कर, दंडे की तरह गिर करके, साष्टांग मीन्स 8 अंग, शरीर के 8 अंग जमीन पर टच होने चाहिए, से अष्ट अंग साष्टांग दंडवत, 8 अंगों के टच होने से जो दंडवत की जाती है वो गुरु जी को की जाती है, भगवान को भी की जाती है। साष्टांग दंडवत कर मेरे उस भक्त को, जो मेरा एक शुद्ध भक्त है, जो मुझे तत्व से जानता है, उसके चरणों में गिर करके साष्टांग दंडवत कर, और जहां मेरा भक्त बैठा हो उससे नीचे आसन पर बैठ करके और हाथ जोड़ करके जिज्ञासा भरे प्रश्न कर, अपने कल्याण के लिए प्रश्न कर कि ये महात्मा जी है।
गुरु जी मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं कैसे सुखी होऊंगा। वो तत्वदर्शी महात्मा मेरा भक्त तुझे वो ज्ञान उपदेश करेगा जिस ज्ञान को प्राप्त करके तू मुझे प्राप्त कर लेगा, तू परम सुख को प्राप्त हो जाएगा, मेरे मुझे प्राप्त हो जाएगा। इससे तो भगवान कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिन। वो तत्वदर्शी ज्ञानी तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे जिस ज्ञान को पा करके तू मेरा हो जाएगा, तू परमानंद को प्राप्त हो जाएगा, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये दावानल शांत हो जाएगी, बुझ जाएगी। भगवान के भजन में यहीं से आनंद आने लग जाता है। नारद जी कहते हैं, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है कि भक्ति ही एक ऐसा विषय है जो तत्क्षण फल देने वाली है, इधर करो इधर ही फल मिलना शुरू हो जाता है। आप जिस दिन भक्ति करना शुरू करेंगे उसी दिन उसी क्षण आपको भक्ति का आनंद आने लग जाएगा, उसी क्षण तत्क्षण फलदायिनी इसका फल मिलने लग जाएगा। हर एक कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। आज हम पौधा लगाते हैं, क्या फल हमको आज मिलता है? नहीं मिलता। कभी 6 महीने में जाके या साल में जाके या कभी कभी आम जैसा 6 वर्ष का पौधा हो जाए तब जाके आम देने लगता है, जामुन का और भी बाद में, और इमली का तो कहते हैं इमली का पौधा लगाने वाला 100 साल का होके गुजर जा तब इमली का पौधा फल देता है। तो इसलिए भक्ति तत्क्षण फल देती है आपको, और भक्ति का फल तो अमर फल होता है, उस फल की महिमा कभी कम नहीं होती। वो आपका आपकी रक्षा करता है वो फल जन्म जन्म। तो भगवान अपनी भक्ति में सभी को बुला रहे हैं, सभी को उस उपदेश को दे रहे हैं गीता के माध्यम से कि सब आ जाइए, क्यों इधर फंसे हुए हो, क्यों कुत्ते बिल्लियों की जैसी जिंदगी जी रहे हो, क्यों ये भूखे प्यासों की तरह तरस रहे हो, क्यों ये कांच के टुकड़ों को बीन रहे हो, समेट रहे हो, खून निकल रहा है तुम्हारे उंगलियों में से, हाथों में से जलन हो रही है, प्यासे मर रहे हो, होंठ सूख रहे हैं, त्वचा जल रही है, क्यों ये दुख कलेशों में पागल की तरह ये कांच के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे हो, मेरी ओर आओ, देखो परमानंद की ओर आओ, परमेश्वर की ओर आओ, उठो के मेरी भक्तों की तरफ जाओ, सत्संग में जाओ, कुछ आत्मा ज्ञान का प्रसार प्रसारण आपके हृदय में भी जागृत हो, आत्मज्ञान पैदा हो, ऐसा कुछ सत्संग करो। किसी सत्संगत में जाके साधु संग साधु संग साधु संग कीजे, लव मात्र साधु संग भवतर लीजे। सत्संग की महिमा है। सत्संग में कौन सा क्षण ऐसा आ जाए कि आप सदा सदा के लिए उसके प्रिय बन जाए? एक क्षण ही तो लगता है। आपको ट्रेन की ट्रैक पे से एक ट्रैक पे से दूसरी ट्रैक पे ट्रेन को लेने के लिए कितना टाइम लगता है? एक क्षण लगता है। तुरंत ये लाइन से ये लाइन का टुकड़ा जुड़ता है और ट्रेन इधर जाती हुई इधर मुड़ जाती है। एक क्षण आपकी आपको आपको कुछ करना भी नहीं है, सत्संग में बैठना है। न जाने कब वो तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे पल्ले में वो क्षण आ जाए कि तुम्हारी सदैव के लिए गाड़ी वो परम आनंद की ओर चली जाए, परमेश्वर की ओर चली जाए, परम शांति की ओर चली जाए। तो आपसे बड़ा कौन भाग्यशाली है फिर बताइए? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिमि वैसी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ये भावना का खेल है। जिस भाई की भावना जैसी होगी, जिस बहन की भावना जैसी होगी, भगवान की मूर्ति उसको वैसी नजर आएगी। जैसे चश्मे हमारे चढ़े होंगे, संसार हमको वैसा ही नजर आएगा। हरा रंग का चश्मा है, सारा संसार हरा नजर आता है। जो पीले हैं, काले हैं, वो भी हरे हो जाते हैं। और काला चश्मा है तो फिर या तो काला ही नजर आएगा या नजर ही नहीं आएगा। ये चश्मे का फर्क है। आपके चश्मे कैसे हैं, आपके नजरिया नजरअंदाज कैसे हैं, उर्दू में कहते हैं ना, आपके नजरअंदाज कैसे हैं, किस नजर से आप देख रहे हैं सामने संसार को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, वैसे ही नजर आएंगे। भावना के ऊपर है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिमि वैसी। यदि आपकी भावना दूषित है तो आप कैसे भगवान को पहचानेंगे। यदि आप अज्ञानी हैं कैसे भगवान को पहचानेंगे। ज्ञानी नहीं है, अपने आप को ही नहीं पहचान सकते, फिर भगवान तो बहुत दूर की बात है। इसलिए संसार सत्संग की ये महिमा है। सत्संग में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सत्संग में हर समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। आपकी हर समस्या हल हो जाएगी, आपके सारे प्रश्न गिर जाएंगे। जिस व्यक्ति का ज्ञान साक्षात्कार आत्मज्ञान उदय हो जाता है, उसके सारे प्रश्न गिर जाते। और या जो कोई, तो फिर कोई प्रश्न नहीं बचता उसके सामने। फिर वो गुरुजी से भी क्या प्रश्न करे, उनके चरणों में बैठा रहता है, उनकी सेवा करता है, परमात्मा की सेवा करता है। या फिर जो बिल्कुल ही अंधेरे में है या मूर्ख है, मूड है, उसके पास कोई प्रश्न नहीं होता। लेकिन अर्जुन भगवान की हाजिरी में खड़ा है, उपस्थिति में भगवान साक्षात नारायण खड़े हैं, इसलिए उसके हृदय से एक प्रश्न के बाद दूसरा, तीसरा, बहुत प्रश्न निकलेंगे जो सबका कल्याण करेंगे। तो फिर सुनते जाइए सत्संग। जय गोपाल। तिम्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भावभयहरं सर्वलोकेकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदाय सांगपदक्रमोप निषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गोपाल। आइए बहन भाइयों सत्संग प्रेमी जनों प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता इस संसार के लिए एक भगवान की ओर से गिफ्ट है, पुरस्कार है। खुश होकर जो भगवान ने पुरस्कार दिया है करुणा दया से, दीन दयाल ने हम दीनों के ऊपर कृपा की है कि हमको आत्मज्ञान नहीं है, ये आत्मज्ञान मिले, इसलिए अर्जुन के माध्यम से ये परम ज्ञान राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये परम विद्या गोपनीय गुप्त खजाना हमको दिया है। इस विद्या को पाकर के आदमी परम सुखी हो सकता है और ये विद्या को न जानने वाला इस संसार में भटकता है, बार बार जन्म मरण जरा व्याधियों में भ्रमण करता है, घूमता है, कभी मनुष्य बनकर, कभी घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली बनकर। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, बॉडीज ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ज्ञान जिसको नहीं है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, यह शरीरों को बदलती है अपने कर्मों के अनुसार। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा शरीर, रूपवान शरीर, बलवान शरीर, बुद्धिमान शरीर मिलेगा, अच्छा ब्रेन मिलेगा, अच्छे माता पिता, अच्छा घर मिलेगा, राजघराने मिलेंगे, ऊंचे कुल मिलेंगे, ऊंचे लोक मिलेंगे। कर्मों से भगवान मिलते हैं और कर्मों से ही शैतान मिलते हैं, कर्मों से स्वर्ग मिलते हैं, कर्मों से ही नरक मिलते हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्मों का खेल है, अज्ञानता में कर्म अच्छे नहीं होते, पाप कर्म बनते हैं। अहंकारता में सारे पाप होते हैं, ज्ञान जिसको होता है वो पापों से बचता है, आत्मज्ञान जिसको होता है वो पापों को, पापों की महिमा को, पापों के रहस्य को पूरी तरह जानते हुए वो ही कर्म करता है जिससे उसकी भक्ति में प्रबलता आए, भक्ति बढ़े, दिन प्रतिदिन नव नूतन होती जाए और उस भगवान को रिझाले। कर्म का बड़ा खेल है। शूद्र
भी भगवान की शरण ले तो उनको प्राप्त कर लेता है, वैश्या भी भगवान की शरण ले तो उनको प्राप्त कर लेती है। हम सभी जन्म से शुद्ध होते हैं, कर्म ही तो प्रधान है, और कर्म होता है गुणों के अनुसार। किन गुणों में आपने जन्म लिया है? तमोगुणी माता पिताओं के घर में आए तो आपके पिछले कर्म ऐसे ही थे कि आपको तमोगुणी माता पिता मिले जो जन्म लेते ही पाप कार्यों में रत। जैसे ही आप जन्म लिया, आपके माता पिताओं ने आपको बराबर ज्ञान दिया नहीं, क्यों? उनको ज्ञान नहीं है तो आपको कैसे दें? खाना पीना भी नहीं सिखाया। जैसे बच्चे, छोटा बच्चा होता है, हाथ में कोई चीज हो उसके में खाने की और गिर जाए कहीं गंदी जमीन पे, उसको भी उठा के फिर मुंह में देने लगता है। ज्ञान नहीं है, इसीलिए ना अज्ञान है। लेकिन माँ देख लेती है, तुरंत फटकारती, हटाती है, नहीं नहीं नहीं, छोड़ 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 छोड़। कितनी भी कीमती वस्तु हाथ में हो खाने की, माँ फेंकवा देती, फेंक देती है कि नहीं, चल हाथ धो, और ताजा चीज देती है। तो माँ को भी ज्ञान नहीं है, पिता को भी ज्ञान नहीं है, तो फिर आपको भी वही खान पान का भी ध्यान नहीं है कि क्या खाना है, तो माता पिता जो खिलाएंगे खाना पड़ता है। लेकिन जब ज्ञान होता है तो बड़ा होने पर तो ज्ञान होने लगता है, या कोई सत्संग में जाने से ज्ञान होने लगता। तो एक शूद्र भी, एक वर्कर भी, और ऊंचे पद पर जा सकता है, एक भगवान का भक्त बन सकता है, और ऐसा भक्त जो संसार उसके पांव छुए, सर पे बिठाए। क्या वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी तो चांडाल जाति में थे, बड़े हिंसक थे, बड़ी हिंसाएं करते थे, लेकिन नारद जी उनके गुरु, उनकी कृपा से वो ऐसे परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी के अवतरित होने से पहले ही पूरी रामायण लिख के रख दी कि दशरथ अयोध्या के राजा होंगे, उनके 3 रानियां होंगी, उनसे 4 कुमार होंगे, उनमें सबसे बड़े राम होंगे, वो स्वयं परमेश्वर के अवतार होंगे, उनसे छोटे लक्ष्मण होंगे जो शेषनाग जी के अवतार होंगे, बलराम जी के, मूल शंकरषण के, फिर चरत भरत होंगे, वो भी उनके ही अंशों से अवतार होंगे, पार्टली इनकार्नेशन होंगे। ये चारों ही अवतार हुए भगवान के, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, वाल्मीकि जी ने लिखा। तो संसार आज भी, वो त्रेता युग से की बात है, आज लाखों वर्ष चले गए फिर भी वाल्मीकि जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। वाल्मीकि जी रामायण को ही बड़े सम्मान से, आदर से पढ़ा जाता है। तुलसीदास जी की रामायण तो अभी आई है 500 वर्ष पहले, और वाल्मीकि जी की रामायण जितनी प्रमाणित है, तुलसीदास जी की इतनी नहीं है। बहुत सी संप्रदाय तुलसीदास जी की रामायण को नहीं पढ़ती, वाल्मीकि जी रामायण को पढ़ती है, वो ओरिजिनल रामायण है। तुलसीदास जी महान कवि थे, महान भक्त भी थे, लेकिन कहीं कहीं लोग कहते हैं, संत लोग, कोई कोई चौपाइयों में उन्होंने कुछ कमियां छोड़ी हैं, कमियां भी हैं, हो सकती है, मुझे पूरी तरह मालूम नहीं है। मैंने पढ़ा है, 9 बार मैंने तुलसीदास जी की रामायण का पठन किया है एकांत में, और बार बार फिर पाठ किए, मनन किया है। मैं जानता हूं तुलसीदास जी की रामायण को, बहुत आदर देता हूं, सम्मान देता हूं। मैं तो यहां यही कहना चाहता हूं कि हम सभी शूद्र जन्म लेते हैं जन्म से, लेकिन अपने कर्मों से हम आगे पीछे हो सकते हैं। एक शूद्र भी ब्राह्मण का पद, ब्राह्मण बन सकता है अपनी ब्राह्मण की क्वालिटीज पैदा करने पर इसी जन्म में। वो भी एक क्षत्रिय बन सकता है, एक वीरता और वीर हृदय लेकर के वो भी मिलिट्री में सेनापति बन सकता है, जनरल कर्नल बन सकता है, बने हुए हैं।
तो ये नहीं कि वो नहीं जन्म से, तो अगर कोई ब्राह्मण के घर में भी वो भी शूद्र ही पैदा होता है, लेकिन माता पिता ब्राह्मण होते हैं, अगर अच्छे माता पिता हैं तो ब्राह्मण का संस्कार डालते हैं, क्षत्रिय होता है क्षत्रिय का संस्कार डालते हैं, लेकिन कोई भी उस भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है। भगवान के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, मेरे आश्रम में आकर के एक वैश्या भी मुझे प्राप्त कर लेती है, मेरे शेल्टर में आकर के, सरेंडर अन टू माई लोटस फीट, वन कैन अचीव मी, वन कैन प्लीज मी। थैंक यू सो मच। जय गोपाल। जय गोपाल। और भी मैं इस विषय में कहना चाहता हूं, शरणागति के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत गीता में, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि शुभ पाप योनय, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गति, ये भी परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं, मुझे प्राप्त कर लेते हैं, मेरे आश्रम में आने पर, मेरे शेल्टर में, कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो, और मुझे आपका प्रेम चाहिए, आपके संतों का, आपके भक्तों का प्रेम चाहिए, मुझे सत्संग चाहिए, उनके भक्तों का आदर करना, उनकी शरण में जाना, सत्संग का पान करना, गीता भागवत का पठन करना, सही शास्त्रों का पठन करना, सत्पुरुषों की सेवा करना, भगवान को रिझाना, उनको फूल चढ़ाना, जल अर्पण करना, ये सभी शरणागति के भाव हैं, उनको प्रणाम करना, उनके चरण स्पर्श करना, उनके संतों के चरण स्पर्श करना। संत की महिमा, मामी पार्थ, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, मेरे आश्रम में यदि कोई चांडाल भी, पापिष्ट आदमी भी, पापिष्ट कुल में जन्म लिया हुआ पापिष्ट भी यदि मेरा सहारा ले लेता है, कोई वैश्या, गिरी हुई स्त्री, धंधा करने वाली वैश्या, शरीर बेचने वाली वैश्या, कोई क्षुद्रमती व्यक्ति जो तमोगुण में है, अज्ञान में है, अंधकार में है, वो भी यदि मेरी शरण ले तो वो भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। ये नहीं कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय शरण लेगा तो उनका ही कल्याण होगा। और भगवान कहते हैं कि जो जहां पर है उसी कर्म को करते हुए भी मुझे प्रसन्न कर सकता है। यदि अपना कर्म नहीं छोड़ा जाए, बिजनेसमैन से अपना कर्म नहीं छोड़ा जाए तो छोड़, भगवान छुड़ाते नहीं, जितना भी बिजनेस फैला रखा है उस बिजनेस को संभालते हुए, उस बिजनेस में ही ऐसा भक्ति भाव से करते हुए मुझे प्रसन्न कर सकता है, मेडिटेटिवली, कंसंट्रेटिवली, उसको सच्चाई से उस व्यापार को करते हुए, ईमानदारी से उस व्यापार को करते हुए मुझे प्रसन्न कर सकता है, मेरा भजन कर सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है, अपने में निखार पैदा कर सकता है। एक जूते बनाने वाला जूते बनाते बनाते उस पवित्रता को प्राप्त कर सकता है जो मुझे प्रसन्न कर लेती है, वो भी मुझे प्राप्त हो जाता है, मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, परमानंद को प्राप्त हो जाता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है। देखिए शब्द वैश्या और वैश्य, वैश्य कहते हैं बिजनेसमैन को, और वैश्या किसको कहते हैं, वैश्या भी बिजनेसमैन को कहते हैं, धंधा करने वाली। ये सिर्फ मात्रा का फर्क है कि नर और नारी, मात्रा का फर्क कर दिया है तो नारी पहचानते ये नारी है,
ये नर है। वैश्य यानी धंधा करने वाला, बिजनेस करने वाला, और वैश्या बिजनेस करने वाले। बड़े कोई वैश्य भाई बुरा नहीं माने, ये तो बिजनेस से है, लेकिन ये तो चमड़ी का धंधा करती है, ये तो शरीर का धंधा करती है, अपने शरीर को बेचती है, इसलिए वैश्या कहा। लेकिन वैश्य बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, गऊ पालते हैं, क्रय विक्रय, समाज को सब्जी उपलब्ध कराते हैं, गेहूं चावल उपलब्ध कराते हैं, बादाम उपलब्ध कराते हैं, दाख छुआरे किशमिश इत्यादि, ये बिजनेसमैन है वैश्य। शब्द की बात बोली मैंने, तो कोई भी हो भगवान की जो शरण ले लेता है वो उसको परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो ये बच्चे की तरह जब अज्ञानता होती है, अंधकार होता है आंखों के सामने, बच्चा कुछ समझ नहीं पाता है, तो ये कुछ भी कर जाता है, उपद्रव कर देता है, कुएं में गिरने को, उसको पता नहीं कुआ है, मर जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना प्रत्येक जीव के लिए खुला हुआ है, उसका दरबार सभी के लिए खुला हुआ है, चांडाल के लिए भी खुला हुआ है, अज्ञानी के लिए भी खुला हुआ है, जो बड़े स्कॉलर हैं, यूनिवर्सिटी पीएचडी की डिग्री लिए हुए हैं, बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक हैं, लेकिन उनको कोई आत्मज्ञान नहीं है, एक शरीर का ज्ञान है, वो सबके लिए खुला है। जिसको शरीर का ज्ञान है, चाहे वो डॉक्टर ही हो, उसको 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 ही तो चर्मकार कहा है, उसी को तो चमार कहा है, चमार किसी और को नहीं कहा। जिसको चमड़ी, जिसको देह का ज्ञान है, चमड़ी का ज्ञान है कि ये मेरी, मेरे शरीर खड़े, ये मेरा शरीर है, देहात्मक बुद्धि है, उसको तो अष्टावक्र जी चमार कह रहे हैं, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, ब्राह्मण कुल में हो, राजपूत में हो, नहीं, जिसको आत्मज्ञान है उसको ही विद्वान कहा है, उसको ही पंडिता कहा है भगवान ने। जिसको आत्मज्ञान है वही कबीर है, वही गुरु नानक है, वही रविदास है, वही चैतन्य महाप्रभु है, वही प्रभुपाद है, वही सच्चे ब्राह्मण है, जो ब्रह्म वेत्ता, जिन्होंने उस ब्रह्म की पहचान कर ली है, उस पर ब्रह्म की पहचान जिनको हो गई है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान उदय हो गया, उनको तो ब्राह्मण कहा है, वो फर्स्ट श्रेणी के ब्राह्मण है, जो सेल्फ रियलाइज्ड है, आत्म साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया है। ब्राह्मण भी चार प्रकार के वेदों में कहे हैं, इनकी भी श्रेणी है, क्षत्रियों की भी श्रेणी है, ये भी चार प्रकार के, वैश्यों की भी श्रेणी है, ऐसे ब्रह्मचारी भी चार प्रकार के हैं, सन्यासी भी चार प्रकार के हैं, वानप्रस्थी भी चार प्रकार के हैं, गृहस्थी भी चार प्रकार के हैं, ये वेदों में इनका उल्लेख है, इनकी भी क्वालिटीज है, ए बी सी डी, डी कैटेगरी के ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण घर में तो जन्म ले लिया लेकिन कर्म तो बहुत गिरे हुए कर रहे हैं, तो डी, वो ब्राह्मण बंधु है, ब्राह्मण नहीं है एक्चुअली में, वो प्रभुपाद जी उनको कहते हैं वो ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण नहीं। फिर सी श्रेणी के हैं, ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया लेकिन कोई भी नौकरी पैसा मिल जाए कर लेते हैं, बेचारे गुजारा करते हैं अपने परिवार का, टाई वाई लगा के। फिर डी श्रेणी के हैं, कुछ कर्मकांड सीख लिया है, परिवार चलाने के लिए कहीं घंटी बजा देते हैं, थोड़ी आरती उतारते हैं, पैसा मिल जाता है, तनख्वाह मिल जाती है, कुछ ज्ञान भी है उनको, संस्कृत भी पढ़ा है, शास्त्र भी पढ़े हैं, ज्ञान है, ये बी श्रेणी में आ गए हैं। लेकिन ए श्रेणी का ब्राह्मण तो वो ही है जिसको उस प्रभु का ज्ञान है, उसको तत्व से पहचान गया है, आत्मा का साक्षात्कार जिसने कर लिया है, जो दृष्टा की तरह से ये हर वस्तु को समझता है, दृष्टा की तरह, साक्षी की तरह कि ये वो भगवान की लीला हो रही है, साक्षी की तरह कि ये फूल कौन खिला रहा है, ये बारिश कौन बरसा रहा है, साक्षी की तरह इस उसकी सृष्टि को देख रहा है, उसके अंशों को देख रहा है, उस अंशी को जानता है, उस अंशी की लीलाओं को जानता है,
उस परम पुरुष की लीलाओं को पहचानता है, वो फर्स्ट श्रेणी का ब्राह्मण है, तो वही उसके परम हंस हैं, वही प्रकाश में संत हैं, वही उसके परम भक्त हैं, वही उसके प्रिय हैं, वही ज्ञानी महात्मा हैं। तेसाम ज्ञानी, ये चारों प्रकार के भक्तों में भी ज्ञानी भक्त उसके भगवान के अति प्रिय हैं। तेसाम ज्ञानी अत्यर्थम, अति अर्थों में उस ज्ञानी भक्त का मैं बहुत प्रिय हूं और मेरा भी वो अधिक अधिक प्रिय है। ज्ञानी भक्त जिसको ज्ञान है, जिसको तत्व ज्ञान है, तत्व से मुझ कृष्ण को, मुझ वासुदेव को, मुझ परम पुरुष को पहचानता है। तो ये भगवान जो है ये नहीं कहते कि आप मेरे भक्त बन जाओ, लाल कपड़े पहन लो, सन्यासी बनना ही जरूरी है। नहीं, आप गृहस्थी हैं तो गृहस्थ में ही उनकी प्राप्ति कीजिए, और आप ब्रह्मचर्य को पूरी जीवन सहा सकते हैं, बड़ी कठिनता है, सहा सकते हैं, इतनी हिम्मत है, तो ब्रह्मचर्य में भी उनकी प्राप्ति हो सकती है। सन्यास मार्ग भी बड़ा कठिन है। चैतन्य महाप्रभु जी ने 24 वर्ष में सन्यास ले लिया, आदि शंकराचार्य ने 8 वर्ष में सन्यास ले लिया। बड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन कोई साध सकता है, साधना कर सकता है, तो सन्यासी को भी उसकी प्राप्ति है। गृहस्थी में भी बड़ी कलेश, बड़े रिश्तेदारी और अपने का, मैं मेरे का बड़ा वो है, बड़ी उलझन है, लेकिन कोई सुलझ सके तो गृहस्थी में भी प्रभु को प्रसन्न कर सकता है। मां कहती थी, अरे नानग्या, सारा गांव सो गया, सो जा, आधी रात ढल रही है। अरे मैया, कैसे सो जाऊं, देख वो वृक्ष की डाल पे बैठा हुआ एक छोटा सा पपैया अपने पिया को पुकार रहा है, पीहू पीहू पीहू। अरे मैया, ये छोटा सा पक्षी भी अपने पिया को पुकार रहा है, तो मैं क्यों नहीं मेरे पिया को पुकारूं? तो गुरु नानक जी 8 वर्ष की छोटी उम्र में ही भगवान के भजन गाते थे, शब्द गाते थे, उस प्रभु को रिझाते थे। प्रभु के ही अवतार हैं, प्रभु को ही रिझाने लगे हैं। नारद जी भी प्रभु के अवतार हैं, प्रभु को ही वीणा पे उसी का गान करते हैं, उसी गोविंद का भजन करते हैं, वही गोविंद का भजन गुरु नानक जी कर रहे। हर हर नाम जपंत्या किछु न कहे जमकाल, नानक मन तन सुखी रहे अंते मिले गोपाल। वो प्रभु का भजन कर रहे हैं। नामदेव महाराज, त्रिलोचन भक्त, धन्ना भक्त, किन किन का नाम लोगे? मीराबाई, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क आचार्य, ये भगवान के परम भक्त हैं, ये भगवान के हृदय हैं, ये भगवान के मुख हैं। यदि भगवान बोलते हैं तो इनके मुख से बोलते हैं, ये परम सत्य वाणी होती है इनके मुख से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो भाइयों, आप जहां भी हैं, बहनों, यदि आप किचन में भी हैं, अपने बच्चों का भी पालन पोषण करने में लगी हैं, वहीं पर उस प्रभु को प्रसन्न कर सकती हैं।
कोई अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, ना गृहस्थी को बाधा है, ना वानप्रस्थी को है, ना सन्यासी को है। और ये मत समझना कि आपके हाथ में कुछ है, नहीं, उस प्रभु के हाथ में है। ये गृहस्थी का जीवन देना या वानप्रस्थी का जीवन देना या सन्यासी का, सभी लोग वानप्रस्थी नहीं होते, मर जाते हैं जवान अवस्था में। ये सन्यासी का जीवन देना, ये बुढ़ापा देना, ये 100 वर्ष की उम्र देना या 2 वर्ष की उम्र देना, उसका खेल है। इसलिए तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, बड़े सुंदर शब्द हैं, मैं हूं परम पुरुष को दासा, जग देखण आयो तमाशा। अरे भाई, मैं तो परमेश्वर का दास हूं, ये संसार में जो तमाशा हो रहा है, ये खेल हो रहा है, ये ड्रामा हो रहा है, कैसे लोग भाग रहे हैं, हैं? माया के पीछे कैसे नाचते हैं, हैं? नाचत है, कैसे नचत है, माया के पीछे नर नाचता है, माया माया, दौलत दौलत, रूप रूप, भाग रहे हैं। ये सब तमाशा चल रहा है, लीला चल रही है, ये तमाशा ड्रामा। देखिए आप तो न्यूयॉर्क में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, और बंबई में रहो, दिल्ली में रहो, कहीं भी रहो, ये तमाशा देखो। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, मैं तो ये तमाशा देखने आया हूं, मुझे क्या लेना देना है संसार से। जय गोपाल। ओ ज्ञानतिम्रांदश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूपः कदामयम् ददाति स्ववदान्तिकम्। वंदे अहम् श्री गुरो श्रीयुत पदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आओ मेरी प्रिय बहन भाइयों, सत्संग प्रेमी जनों, श्रोतागणों, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 12। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमि जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जया मुदीरेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वास्तव में बात वो नहीं है जो तू सोचता है। जो सोच रहा है उसमें पूर्णतया असत्य छुपा है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस, ये सृष्टि में कोई ये धारणा करे कि ये सृष्टि चलती है, चलायमान है,
चांद चलता है, तारे चलते हैं, सूर्य चलता है, पृथ्वी चलती है। आपको मालूम है पृथ्वी कितनी स्पीड से घूम रही है सूर्य को चक्कर लगाने? 24 घंटे में अपनी धुरी के ऊपर एक चक्कर तो अपना ये कर लेती है, इसमें रात और दिन हो जाते हैं। लेकिन वो सूर्य को चक्कर लगाने के लिए तो उसको दौड़ना पड़ेगा। तो मैंने सुना है कोई वैज्ञानिक के डॉक्टर के मुख से कि 1,00,000 किलोमीटर एक घंटे की स्पीड से ये पृथ्वी दौड़ रही है। और कोई नई जानकारी मिली हो आप लोगों को? लेकिन दौड़ रही है, सूर्य दौड़ रहा है, ये सारे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, सभी तो दौड़ रहे हैं। चेंजिंग हो रही है, हमारे शरीरों की में बदलाव आ रहा है। बालक थे तो कितने सुंदर किलकारी मारते थे, कितना सुंदर चेहरा था, सब लोग बलैया लेते थे। फिर थोड़े बड़े हुए, 10-12 वर्ष के थे, 16 वर्ष के थे, तब तक भी बड़े अच्छे सुंदर लहराते हुए बाल थे, बड़े सुंदर देन थी भगवान की। फिर लेकिन धीरे धीरे, भगवान की तो प्रत्येक दिन सुंदर होती है, उसकी दृष्टि में अच्छा बुरा होता ही नहीं कि इसको अच्छा दे दूं, इसको बुरा दे दूं। वो जो देता है वो अच्छा ही देता है। सभी रंग उसके हैं, काला, पीला, नीला, गोरा, भूरा, सफेद। व्हाइट मैन और ब्लैक मैन भगवान की दृष्टि में दो नहीं है, एक ही है, उसके ही है। लेकिन चेंजिंग हो रही है शरीर की, बदलाव आ रहा है, जवानी आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है, गिर जाता है, जला दिया जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर वही चक्र चलता है। ये पृथ्वी की भी बदलाव आ रहा है पृथ्वी में। वैज्ञानिक कहते कभी ये आग का गोला थी, फिर थोड़ी थोड़ी ठंडी हुई, जल आया, पृथ्वी पर रहने जीव प्रकट होने लगे। आज पूरी तरह जीव 84 लाख योनियां इसके ऊपर रह रही है, जल में, थल में, नभ में, उड़ने वाले। बैठते तो पृथ्वी के ऊपर ही आकर हैं, उड़े चाहे आकाश में। ये सभी बदलाव आ रहा है। जो भूमि कल थी वो आज नहीं है, आज है वो कल नहीं रहेगी। इसकी भी आयु है, बढ़ती जाती है, ये भी मृत्यु की ओर जाती है। पृथ्वी भी, सूर्य भी, ये ब्रह्मांड भी मृत्यु की ओर जाता है, बदलाव आते हुए। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, ये पृथ्वी है, ये अभी बालक है, बच्चा है, ये फैलता ही जा रहा है। सत्य, क्योंकि ये फैलते हैं और फिर एक दिन प्रलय में चले जाते हैं, ये सत्य है। बच्चा फैलता है, एक दिन पेट में एक पानी का छोटा सा बबल होता है, ये फैलता जाता है, फैलता जाता है, बाहर आता है 10-15 पौंड का, बढ़ता जाता है, फिर ये 200 पौंड का हो जाता है, कोई कोई 350-400 पौंड के हो जाते हैं, फिर गिर जाता है। चेंजिंग इज द लाइफ। इस संसार में बदलाव है, और जहां बदलाव है वहां सत्य का अभाव है। इसलिए भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि नैत्वेवाहम नहीं, ये दूसरे श्लोक में कहा है, लेकिन इस श्लोक में भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं, न त्वेवाहम जातुनाशम, न त्वम नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः, सर्वे भयमतः परम। हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है
कि किसी भी समय में मैं नहीं था, या ऐसा ही है कि किसी भी समय में तू नहीं था, या ऐसा ही है कि ये राजा लोग नहीं थे, ये पहले हम सभी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये मुख्य रूप से भगवान कह रहे हैं, क्योंकि ये आत्मा कभी मरती नहीं, ये सदैव के लिए है। ये नहीं कि पहले नहीं थी, कहीं से आ गई है और फिर पता नहीं आगे होगी कि नहीं। भगवान कह रहे कि ये राजा लोग, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा लोग नहीं थे, ये पहले भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, सत्युग में भी थे, उससे पहले भी थे, सृष्टि प्रारंभ के समय भी थे, और सृष्टि नहीं हुई, ये भौतिक संसार नहीं था, तब भी ये राजा लोग थे। और अर्जुन तू भी था और मैं भी था, और आज भी हम सब हैं और आगे भी मिलियंस ट्रिलियंस और ऑक्टो मिलियंस ईयर्स के बाद भी हम सब होंगे। ये भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ये राजा लोग और हे अर्जुन, ये आत्मा के ऊपर चढ़े हुए आवरण हैं शरीरों के, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा का विनाश नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसलिए ऐसी बातें भगवान कह रहे हैं। जय गोपाल। जय गोपाल। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न च एनम कलेदयन्त्यापो नाशोष्यति मारुता। हे अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये आत्मा किसी शस्त्र से छेदन नहीं किया जा सकता, आत्मा के अंदर इसको मारा नहीं जा सकता, कोई अस्त्र से, शस्त्र से, एटम से, कोई यत्न से, सारे विश्व के उपाय कर लो तो यह आत्मा नहीं मरती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, अग्नि में डाल दो तो भी ये नहीं जलती, ये शरीर जल जाएगा, आत्मा नहीं जलेगी। ये शरीर जल जाएगा, राख बन जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं जलेगी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न च एनम कलेदयन्त्यापो, और कोई भी जल समुद्र में इसको डाल दो तो ये गीली भी नहीं होती, इसको समुद्र टच भी नहीं कर सकता, पानी टच भी नहीं कर सकता, ये गीली नहीं होती, तो फिर मरने का तो सवाल ही नहीं है, नष्ट होने का तो सवाल ही नहीं है, टच ही नहीं होती पानी को, कितने भी गहरे समुद्र में डाल दो। न शोष्यति मारुता, और वेगवती तूफान, हरिकेन, टोर्नाडो और स्टॉर्म्स, बड़े तूफान वायु के, इसको नहीं सुखा सकते। 49 वायु है, 49 ही अग्नि है, 49 वायुओं में से 10 वायु आपके शरीर में होती है, डॉक्टर नहीं पहचान पाएंगे, शास्त्र कहते हैं, हालांकि डॉक्टर इनके स्थान बता सकते हैं कि तुम्हारे हृदय में वायु है, तुम्हारे फेफड़ों में वायु है,
तुम्हारे पेट में वायु है, तुम्हारी नसों में वायु है, तुम्हारे ब्रेन में वायु है, ये बोल सकते हैं, और यहां कम है यहां ज्यादा है बोल सकते हैं, लेकिन ये वायुओं के भेद हैं, वायुओं के भेद हैं। हृदय की वायु को शास्त्रों ने व्यान कहा है, व्यान उदान, हम डकार लेते हैं, उबासी लेते हैं, उदान व्यान उदान, पान जो ब्रीदिंग लेते हैं पान अंदर जो जाती है, अपान जो बाहर निकलती है, बोलिए भीतर जाती है वो वायु कुछ और होती है, बाहर आती है वो कुछ और होती है, डॉक्टर ये जानते हैं, भीतर हम ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर फेंकते हो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। व्यान उदान समान, ये नाभि के मध्य में, पेट के मध्य में नाभि है, नाभि के पास में समान नाम की वायु रहती है, जो बाहर गई हुई वायु बाहर हम छोड़ देते हैं सांस को, उसको भीतर लेने का काम उसी का है, अगर वो नहीं हो तो बाहर की बाहर ही रह जाती है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आदमी प्राण छोड़ देता है। ये समान वायु है, ये समान रूप से उसको खींचती है, इसको बाहर फेंकती है, इसको ये इसका कार्यक्रम चल रहा है। आप सोते रहे तो भी चल रहा है, आप सो जाएं गहरी निद्रा में तब भी आपकी सांसें चल रही, ये कौन कर रहा है, आप तो नहीं कर रहे, आपका मन भी सोया हुआ है, चेतन है, खर्नाटे आ रहे, मन भी सोया हुआ होता है उस समय, सपने भी नहीं देखते, गहरी निद्रा, घोड़े बेच के सोए, थके आ रहे मांदे, तब भी आपकी सांसें चलती हैं, तो ये समान वायु लेती है। व्यान जो हृदय में होती है ये सारी नसों में ब्लड को फेंकती रहती है, और फेंकती नहीं, खराब ब्लड को खींचती है और अच्छे को फेंकती है, खराब को खींच के और कफ के रूप में या किसी भी रूप में बाहर फेंक देती है, ये व्यान का काम है। इन्हीं वायुओं में एक धनंजय नाम की वायु शरीर के अंदर, हमारे शरीर से जब 9 वायु निकल के चली जाती हैं अंत समय में, कोई भी नहीं बचती, ब्रीदिंग नहीं बचती, 9 वायु चली जाती हैं, अंत में धनंजय वायु रह जाती है, वो आपके सारे शरीर को अकड़ा देने के बाद में, मृतक के शरीर को अकड़ा देने के बाद में फिर वो निकल के जाती है, इसलिए तो मृतक जब शरीर त्याग देता है, बॉडी शरीर पड़ा रह जाता है, तो बोलते हैं कि जल्दी से सीधे कर दो हाथ पांव, वरना वैसे टेढ़े के टेढ़े रह जाएंगे, जैसे घुटना खड़ा हो ऊपर को तो ऐसे रह जाएगा कुछ देर के बाद में, घंटा दो घंटा बाद, इसलिए वो सीधे कर देते हैं हाथों को पांव को, जैसे उसको आराम से वो ग्रेवयार्ड में ले जाया जा सके, या शमशान घाट की ओर अर्थी बांध के ले जाया जा सके। ये धनंजय वायु है शरीर को अकड़ा के, जॉइंट्स को अकड़ा के, टेढ़े मेढ़े जैसे उसको अकड़ाने, जैसा है वैसे अकड़ा दे, ठस करके चली जाती है, ठोस करके। तो ये 49 वायु है, ऐसे 49 पवन है, इनमें वैश्वान और नाम की पवन नहीं, 49 अग्नि है, जिसमें जिनमें से वैश्वानर नाम की अग्नि हमारे भोजन को पचाने का काम करती है, ऐसे अग्नियों के नाम है। तो ये शरीर का बदलाव आता है, ये संसार का, तो भगवान कहते हैं जिस चीज में बदलाव आता है वो सत्य नहीं है। तो ये हमारा शरीर बदलाव आने के कारण स्थिर नहीं रहता, इसलिए सत्य नहीं है, लेकिन ये 24 तत्व जो है जिनसे संसार बनता है वो तो सत्य हैं, क्योंकि वो इटर्नल है, वो मूल प्रकृति से निकलते हैं, ये सारा मैटर मूल प्रकृति से निकलता है, और मूल प्रकृति सत्य है क्योंकि वो इटर्नल है, ये सारे ब्रह्मांड इटर्निटी में से निकलते हैं, इसलिए
इनकी मूल प्रकृति जो है, मूल स्वभाव में ये सत्य है, लेकिन रूप दृश्य और गुणधर्म बदलते जाते हैं, इसलिए इनको असत्य कहा है। आज कोई कहे कि मेरा ये रूप है सॉरी, और 20 साल के बाद देखो तो उसका रूप ही चेंज हो जाता है। बचपन में कितने सुंदर बालक हम दिखाई देते हैं फोटोग्राफी में, और वही बालक अपने रूप को बुढ़ापे में जाके देखे जब 90 वर्ष का 100 वर्ष का, तो बोलेगा ये मेरा फोटो है, वही नहीं पहचान पाएगा। तो ये रूप असत्य हुआ। जो अग्नि आज जली हुई देख रहे हैं हम रूप, वो कल को राख बन जाती है, तो सत्य नहीं माना गया ये रूप, सत्य नहीं माना गया ये स्वाद जो आ जा रहा है, या खाया जब तो कड़वा लग रहा था और बाद में जो है जबान पर मीठा मीठा कैसे हो गया, कुछ बदलाव आ गया। या खाया था जब मीठा था, अभी कैसे मुझे, खाया था जो अच्छा लगता था, अभी कुछ बदलाव आ रहा है मुझे ओमिट जैसे, तो चेंजिंग हो रही है हर चीज की। तो चेंजिंग जो है यही संसार है, यही एग्जिस्टेंस है, बदलाव आता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान कहेंगे कि ये जो तू सोच रहा है ये सत्य नहीं है कि ये राजा लोग मर जाएंगे, ये हाथी मर जाएंगे, मेरा गुरु मर जाएगा, मेरा बाबा मर जाएगा, हमारे पक्ष के भी कोई न कोई मरेंगे, ये बोलो ये असत्य सोच रहा है, तो सत्य नहीं है ये कभी नहीं मरते, ये आत्मा है, ये ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे, ये हाथी घोड़े नहीं थे, तू नहीं था या मैं नहीं था, थे। भगवान कहते हैं न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामे सर्वे वयमतः परम, नेवर वाज देयर ए टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट नॉर यू नॉर ऑल दीज किंग्स नॉर इन द फ्यूचर शैल एनी ऑफ अस सीज टू बी। तो भविष्य में भी ये लोग होंगे, तू होगा मैं भी होऊंगा, भूतकाल में थे मैं भी था तू भी था ये भी थे और अभी भी हैं। तो कौन किसे मारता है अर्जुन, ये कैसे मारेगा तू इस आत्मा को? गौतम बुद्ध भगवान करुणा के सागर थे, उन्होंने करोड़ों का उद्धार किया है इस धराधाम पर आकर। आज भी लाखों शिष्य उनके धरती पर हैं। गौतम बुद्ध भगवान जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, 50,000 सन्यासी उनके साथ चलते थे, मूव होते थे। एक बार दक्षिण भारत के एक महाराजा के यहां पर उन्होंने संदेश भेजा कि गौतम बुद्ध आए हैं और उनके साथ में 50,000 सन्यासी भी हैं और भोजन करना चाहते हैं, सभी भूखे हैं। तो दूत ने कहा महाराज ऐसे एक महान संत गौतम बुद्ध आए हैं और उनके साथ में 50,000 उनके सन्यासी शिष्य भी हैं और सभी भूखे हैं। कहाँ हैं? धन्य भाग्यों में मेरे धन्य भाग्य जो मुझे ये अवसर मिले कि मैं उनको भोजन कराऊं, कहां है वो? मैं उनके पहले दर्शन तो करूं, उनका वेलकम आवभगत तो करूं, उनकी मैं अगवानी करूं, मैं उनकी कहां है वो? तो दूत कहने लगा कि महाराज यहां से दूर 1.5 माइल पर जो बड़ा पहाड़ है उसके बाद में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी की तलहटी में है सब सारे वहां। चलिए चलिए। तो महाराज जो नंगे पांव
राजा चल के आए, पहाड़ी भी आ गई, पहाड़ निकल गया, पहाड़ी आ गई। बोलो किधर है, मुझे तो कोई आवाज, शोरगुल, 50,000 व्यक्ति यहां पर होंगे, कुछ तो आवाज आनी चाहिए, कुछ शोरगुल होना चाहिए। तू कह रहा है ये पहाड़ी के उस साइड में बैठे हैं सब। बोलो कोई आवाज तो आ नहीं रही, लेकिन ये सन्यासी गौतम बुद्ध के साथ में पिन ड्रॉप साइलेंट, शांत ध्यान कर रहे हैं, 50,000 एक साथ शांत मौन है। बोलो महाराज थोड़ा और चलिए, पहाड़ी के उस तरफ को तल बैठे हैं। बोलो ठीक है चलते हैं। तो गौतम बुद्ध भगवान एक दिन सोचते हैं कि मुझे अंगुलीमाल के पास जाना है। अंगुलीमाल एक महान खतरनाक डाकू उस समय का था, जैसे किसी का भी आम नाम लो। कहते हैं कि माताएं 50-50 कोस की दूरी पर अपने बच्चों को यह कहकर सुलाती थी कि सो जा बेटा, अंगुलीमाल आ जाएगा, और बच्चा सो जाता था अंगुलीमाल का नाम सुन के। अंगुलीमाल बड़ा खतरनाक डाकू था, जंगल में छुपा रहता था, और रोज ही नित्य अंगुलियों की, आदमियों की अंगुलियों को काट काट के ताजा अंगुलियों की माला बना के और गले में पहनता था, अंगुलियों की रोज हत्याएं करता था, नरसंहार करता था। गौतम बुद्ध ने जब ये सुना कि ये दुष्ट को सुधारना चाहिए, ये बिना पापों में नीच कर्मों में उतरा हुआ है, ये पतित पावन होते हैं संत भगवान अवतार, अंगुलीमाल के पास गौतम बुद्ध गए। उनको यही कहा कि अंगुलीमाल क्यों तलवार उठाता है, तू सोचता है वो मैं नहीं हूं और तू भी नहीं, किसने किसको मारा है, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कैसे तू मुझको मारेगा। वो अंगुलीमाल की सदा के लिए तलवार गिरा दी, अपना शिष्य बना लिया, और एक अच्छा वो सन्यासी गौतम बुद्ध भगवान का कहलाया अंगुलीमाल। जय गोपाल। ओ ज्ञानतिम्रान्धस्यो ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवहरं सर्वलोकेकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र इंद्रमरुता, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र इंद्र। ओम शांति शांति शांति। ओम।
जय गोपाल। भगवान की कृपा से ही कोई वक्ता बोल पाता है, उन्हीं की कृपा से रुक जाता है। उनकी इच्छा प्रबल है, वो चाहते हैं वो ही होता है, अन्यथा नहीं। अम्बरीश महाराज की कथा कह रहे थे पिछले सत्संग में, अम्बरीश महाराज भगवान के परम भक्त थे और पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। जब दुर्वासा ऋषि के पीछे उनका सुदर्शन चक्र लगा था भगवान विष्णु का, जो भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ था अम्बरीश महाराज के महलों में, अम्बरीश महाराज का कोई दोष नहीं था, वो प्यासे थे, अति प्यासे थे, कंठ में प्राण आ गए थे, नेत्रों में प्राण उतर आए थे। संत महात्माओं के कहने से उन्होंने एक दो घूंट जल का पान कर लिया था। इसी अपराध के कारण अम्बरीश महाराज ने उनको कृत्य प्रकट करके मार देना चाहा, लेकिन भगवान के भक्त को कौन मार सकता है, सुदर्शन पीछे लग गया था। तीनों लोकों में घूमे, आखिर विष्णु भगवान ने सलाह दी कि यदि मेरा कोई अपराध तुमने किया होता दुर्वासा, तो मैं तुम्हें ये सुदर्शन चक्र को अभी शांत कर लेता, लौटा लेता, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है। जो मेरे भक्त का अपराध करता है उसे तो मैं कभी माफ नहीं कर सकता। मेरा भक्त मेरे मिलने के लिए नेत्रों से आंसू बहाता है, जल्दी सारा संसार सोया रहता है, मेरा भक्त मेरे नाम पुकारता है, मेरा नाम जप करता है, कीर्तन करता है, भाव भरते हैं उसके, मेरी कीर्ति का गान करते हुए उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, मेरी महिमा भगान करते हुए वो गदगद हो उठता है। ऐसे मेरे भक्त के चरणों में हे दुर्वासा तुमने अपराध किया है, तो क्या मैं ये सुदर्शन मुझे जला डालेगा नाथ? नहीं, इसका एक उपाय है यदि तुम कर सको तो। यदि मेरे भक्त के चरणों में जाकर तुम साष्टांग दंडवत करके क्षमा याचना करो, उस भक्त अम्बरीश से क्षमा मांगो, यदि वो अम्बरीश तुम्हें क्षमा कर दे तो सुदर्शन तुम्हें क्षमा कर देगा, वरना कोई और उपाय नहीं। तभी दुर्वासा ऋषि आकर के नीचे आए हैं, अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर गए हैं। अम्बरीश महाराज भी गिर गए हैं कि ये क्या करते हो ऋषि देव, पहले ही एक अपराध में कर चुका हूं, ये दूसरा अपराध में मुझे क्यों डालते हो, मुझे प्रणाम करने का हक है, मुझे प्रणाम करने दो। अम्बरीश महाराज नीचे गिर गए, दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन गिड़गड़ा के दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि अवश्य मुझसे महान भूल हुई है, महान गलती हुई है, मैंने आपको नष्ट करने के लिए कृत्य प्रकट की, कितना बड़ा महाघोर अपराध मैं करने जा रहा था, भगवान के आप परम भक्त हैं, स्वयं भगवान ने मुझे बतलाया है, आपकी रक्षा के लिए उनका सुदर्शन भी आपके महलों में रहता है सदैव, मुझे क्षमा कर दो। अम्बरीश महाराज कहते हैं कि मेरा कोई अपराध आपने नहीं किया, आओ मेरे साथ भोजन कर लो, मुझे सेवा का अवसर दो, पहले मैं आपको भोजन करा दूं, फिर आपका बचा हुआ भोजन मैं करूंगा। अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने कुछ नहीं त्यागा, वो कोई चीज को त्याग करके जंगल में या पहाड़ों की कंदराओं में जाकर नहीं बैठे, या कोई सन्यासी का वेश धारण नहीं किया। जैसे थे उसी रूप में उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। अगर वो राजा थे तो राजा के पद पर रहते हुए भगवान को प्रसन्न किया।
तो कोई ये न जाने कि ये सन्यासी होने से ही भगवान मिल जाएगा या गुरुकुल में संस्कृत पढ़ने से भगवान मिल जाएगा या हिंदू होने से भगवान मिल जाएगा या क्रिश्चियन या सिख या ईसाई या ज्यूइश या बुद्धिस्ट या मुसलमान बनने से ही अल्लाह मिल जाएगा? नहीं, अल्लाह का भगवान का तुम्हारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनसे कुछ लेना देना नहीं है। भगवान को तुम्हारा प्रेम चाहिए जहां पर भी तुम हो, चाहे तुम क्रिश्चियन हो, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे तुम मुस्लिम हो, चाहे तुम गोरे हो, चाहे तुम काले हो, चाहे तुम विद्वान हो, चाहे तुम गूंठा छाप हो, चाहे तुम वैज्ञानिक हो, चाहे बेअकल भी हो, तुम्हारे हृदय में पवित्र प्रेम प्रभु का पलता है, उस प्रभु के प्रति तुम प्रेम करना सीख गए हो, उसकी बनाई हुई सृष्टि से तुमको प्रेम करना आ गया है, उनके चांद सितारों को भी तुम प्रणाम करना सीख गए हो, उनके पेड़ पौधे और खिलते हुए फूल को भी देख करके तुमको उसकी याद आने लगी है, तो तुम चाहे संसार के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे किसी भी रूप में हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, जिस रूप में हो, जिस वेश में हो, जिस हाल में हो, उस प्रभु से तुम्हारा प्रेम लव सदैव ही जली हुई है, प्रेम का दीपक जला हुआ है हृदय में, प्रभु को पहचानने की कला तुमको आ गई है, तो प्रभु उस प्रेम की डोर में बंध जाते हैं। मां यशोदा ने प्रभु को बांध दिया था रस्सी से। आपने कभी भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं को सुना पढ़ा हो तो मालूम होना चाहिए, उस बांधने से ही उनका नाम दामोदर पड़ गया। दामोदर, उदर मानी पेट, दाम मानी रस्सी। मां यशोदा ने नटखट लाल को उसकी नटखटता देख करके बांध दिया था ओखली मूसल से, ओखल से, और अपना काम धंधा में व्यस्त हो गई थी। बस क्या था, भगवान को ये लीला करनी थी? भगवान को उद्धार करना था दो असुरों का, जिनको शाप लगा हुआ था, और शाप दो गंधर्वों का जिनको शाप लगा था, और शापवश वो पेड़ वृक्ष बने हुए थे, और नंद बाबा के कोर्ट यार्ड में, घर के आंगन में खड़े थे, उनका उद्धार करना था। वो लीला, उनको दामोदर नाम दिया गया। भगवान प्रेम की रस्सी से बनते हैं। आप इंद्रिय तृप्ति के साधनों को पा करके इंद्रिय तृप्ति न करें, उस साधन से भगवान को प्रसन्न करें, उस दौलत से प्रभु को प्रसन्न करें, उस महल से प्रभु के आए हुए संतों का, भक्तों का आदर सत्कार करें, सम्मानित करें, उनको ऊंचे आसन दें, तो प्रभु की सेवा आपके हाथों से हो जाती है। प्रभु आपके हृदय में है, वो देखते हैं आपके प्रत्येक विचार को, प्रत्येक सेवा को वो स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, आपके चढ़ाए हुए पुष्प को भी। जय गोपाल। जय गोपाल। तो मैं कहता हूं लोगों को कि आपको छोड़ना कुछ नहीं है। क्या रविदास जी महाराज ने जूती बनाना छोड़ दिया था उस भगवान को पाने के लिए, उस माधव को, उस मुकुंद को, उस कृष्ण को, गोविंद को? नहीं, वो जूती बनाते थे और उसका स्मरण करते थे, राम कृष्ण, राम कृष्ण, गोविंद, हरे मुरारी।
भगवान को प्राप्त किया, भगवान के दर्शन किए, भगवान के परम भक्तों में उनकी गिनती है रविदास जी महाराज। आप जहां पर भी हैं, मीरा जी के गुरु हैं। मीरा बाई को भी एक तारा देने वाले रविदास जी महाराज हैं। मीरा बाई ने भी कृष्ण भगवान को प्राप्त किया, उस परमेश्वर को प्राप्त किया। आप जहां पर भी हैं, आपको प्रेम कला आनी चाहिए। प्रेम कला एक ऐसी कला जिसके बिना नहीं किसी का भला। प्रेम कला यदि आपके हृदय में है, प्रेम करना आप सीख गए हैं, तो आपने विश्व को ही अपना मां समझ लिया और आपका हो जाएगा विश्व, विश्व आपका हो जाएगा। विश्व को जिन्होंने प्रेम किया है, विश्व उनका हो गया है। विश्वनाथ को जिन्होंने प्रेम किया है, विश्वनाथ उनके हो गए। काशीनाथ को जिन्होंने प्रेम किया, काशीनाथ उनके हो गए। रामनाथ को जिन्होंने प्रेम किया, रामनाथ उनके हो गए। द्वारकानाथ को जिन्होंने प्रेम किया है, द्वारकानाथ उनके हो गए, नहीं हो गए। रुक्मणी का भाई रुक्मी, रुक्म राजा की बेटी थी रुक्मणी, रुक्मणी का भाई था रुक्मी, वो उसकी शादी शिशुपाल से करना चाहता था। शिशुपाल असुर नेचर का था, प्रकृति का था। रुक्मणी ने कहा, नहीं भाई, मेरे योग्य वो नहीं है, मैंने तो किसी और को मनोनीत कर रखा है, चुन रखा है। नहीं रुक्मणी, शिशुपाल से ही तुम्हारा संस्कार होगा, पाणी संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार होगा। नहीं भैया, लेकिन रुक्मणी ने कलम लेकर के कोरे कागज पे एक पाती लिखी द्वारकानाथ के प्रति, द्वारकानाथ को, और एक ब्राह्मण को चुपके से भेजा कि तुम द्वारकानाथ को मेरी पाती दे दो कि हे नाथ, तुम्हारे होते हुए मुझे एक दुष्ट प्रवृत्ति का, प्रकृति का असुर शिशुपाल ले जाएगा, मैं मर जाऊंगी, प्राण दे दूंगी, मैं किसी को अपना शरीर मन छूने नहीं दूंगी, मेरी आत्मा मेरा मन मेरा शरीर तो आपका है प्राणनाथ, आप मुझे ले आइए और लेकर जाइए। पाती भगवान श्री कृष्ण ने बांची। रुक्मणी लक्ष्मी जी का अवतार है, भगवान रुक्मणी को लेकर आए। रुक्मणी हरण, फिर भी भगवान ने कहा, रुक्मणी घोड़ों की लगाम तुम पकड़ो। क्यों प्राणनाथ, ये तो आपको शोभा दे रही है। नहीं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि द्वारका का राजा रुक्मणी को, रुक्म की बेटी को भगा के ले गया। घोड़ों की लगाम तुम पकड़ो, ताकि देखें तो लोग कहें कि रुक्मणी अपनी इच्छा से जा रही है, भगा के नहीं ले जाई जा रही। रुक्मणी ने रथ से आंका और भगवान श्री कृष्ण ने जो जो आए लड़ने के लिए सबको तीर मारे और उनको शिक्षा दी, सबक दिया। रुक्मी भी आया, रुक्मणी का भाई, उसको आधी मूछ काट करके, आधा सर काट करके पेड़ से बांध दिया नागपाश में और चले गए रुक्मणी को ले। तो भगवान अपने भक्तों को गोदी में उठाते हैं, जो उनको पुकारता है, प्रेम भरी आवाज देता है, उनके लिए वो दौड़े हुए चले आते हैं। संदेह तो नहीं, जब गजराज के पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, गए नहीं नंगे पांव? जरूर गए, वो गजराज की रक्षा की। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो, तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तबारी नाम उचार्यो, मैं नंगे पावन धायो,
भक्तों ने मोहे नानारी भांति नचायो। भक्तों ने मुझे बहुत प्रकार से नचाया है, कभी गोपियों ने छाछ के बहाने से नचाया, अरे कन्हैया तुझे हम छाछ पिलाएंगी, ताजा छाछ तू नाच के बतला दे। तो भगवान एक टर्न मारते थे, ए ले ला पिला आप छाछ, नहीं कन्हैया और नाच, भगवान फिर नाचते थे। गोपियों के आंगनों में जा जाके नाचते थे छोटी अवस्था में, उनकी भक्ता थी परम भक्ता गोपियां, तो नाचते थे। भक्तों ने जहां जैसे भगवान को पुकारा वो दौड़े चले आए। झूठे साग विदुर घर, साग विदुर को खायो, झूठे फल सबरी के खाए, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, ऐसी प्रीत निभाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अपने भक्त विदुर के घर जाकर साग खा रहे हैं। दुर्योधन को, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम का रिश्ता ही है जो प्रभु को प्रसन्न करता है। सन्यासी का रिश्ता होता तो सारे सन्यासियों को प्रभु मिल गया होता, या गृहस्थी का, या वानप्रस्थी का, या सन्यासी का, नहीं, इन रिश्तों से प्रभु का कोई लेना देना नहीं है। जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहो। प्रभु तो प्रेम के प्यासे हैं, प्रेम से उनको जिन्होंने निहारा है, प्रेम से जिन्होंने उनको पुकारा है, वो चले आए हैं, प्रेम के भूखे हैं। भक्त को भी प्रेम के ही भूखे हैं, भक्त भी प्रेम के ही भूखे हैं। तो प्रेम कला ही एक ऐसी कला है, 64 कलाओं में प्रेम कला सर्वश्रेष्ठ कला है। इस कला को जो जान लेता है उसका तो कल्याण अवश्य ही हो जाता है। अमरीक महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने, उनके पास भी हाथी घोड़े थे, ये नहीं कि उन पर नहीं चढ़ते थे, अवश्य चढ़ते थे। दीनों की पुकार सुनने, अपनी प्रजा का दुख दूर करने, उनको प्रसन्न करने हाथी घोड़ों पर चढ़ते थे। उस खजाने को प्रभु का समझते थे, उस राज सिंहासन को प्रभु की एक भेंट, एक गिफ्ट समझते, एक उपहार समझते थे कि भगवान ने यह मुझे दिया इसलिए कि प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैं ये शासन करूं। तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है मैं धर्म की रक्षा करूं, सज्जनों का सत्कार करूं महलों में, और विश्व का कल्याण करूं, कल्याणकारी कर्म करूं, कल्याण भरी सेवा करूं जिससे विश्व का कल्याण हो जाए। अमरीक महाराज ने अपने 10 इंद्रियों को और 11 मन को, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा रखा था, हर प्रकार से भगवान की सेवा के लिए चाहते थे। पांवों से चल करके प्रजा की सेवा के लिए चल कर जाते थे, भगवान के संतों के दर्शन को नंगे पांव बढ़ के आगे पहुंचते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे, और महलों में ले पवित्र जल के छिड़काव देते हुए महलों में ऊंचे आसन पर लाके उनको आसीन करते थे, बिठाते थे, उनका आदर सत्कार करते थे, उनके चरणों में बैठ करके उस प्रभु की लीला का गुणगान सुनते थे, उस प्रभु की महिमा का बखान सुनते थे, सत्संग सुनते थे। अमरीक महाराज थे जैसे ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का नाम बड़े शान से
और ग्रेविटी से लिया जाता है, ऐसे ही अमरीक महाराज का नाम लिया जाता है। सम्राट अशोक थे भारत के अंदर, उनको अशोक महान कह के पुकारा जाता था। क्यों? कि उन्होंने महान कार्य किए थे, अहिंसा परमो धर्म उनके स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ था शासन काल में। उन्होंने संतों का सत्कार किया था, जहां जहां भी कोई संत भजन कर रहे उनको सुख सुविधा जुटाई, मंदिर गुफाएं बनाई, कंदराएं बनाई, स्थान आश्रम बनाए, गुरुकुल बनाए, धर्म को चारों टांगों पर खड़ा करने की पूर्ण कोशिश की किया। चक्रवर्ती सम्राट थे, भारत के सम्राट थे अशोक महान। चक्र तो उनका आज भी भारत के झंडे में है, आप देखेंगे तो अशोक चिन्ह जो बना हुआ है भारत के तिरंगे झंडे में, वो अशोक चिन्ह ही अशोक महान का याद दिलाता है। लेकिन उस झंडे के नीचे तो धर्म पनपना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या बुद्ध हो, सारा धर्म, सारे धर्म पनपने चाहिए, धर्म पनपना चाहिए, सत्यता प्रकट होनी चाहिए, सत्य का बोलबाला होना चाहिए उस झंडे के नीचे। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो तो आप जानते हैं, लेकिन झंडे में वो अशोक महान अशोक चक्र है, सत्यमेव जयते उसके ऊपर लिखा हुआ है, सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते वेदों के वाक्य हैं, सूत्र हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, आप जहां पर भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, आप बड़े अफसर हैं, दफ्तर के मालिक हैं, कुर्सी के मालिक हैं, राज के मालिक हैं, या धन के मालिक हैं, या रूप के मालिक हैं, या टेलरिंग कर रहे हैं, या जूती बना रहे हैं, या बड़ा लेन देन कर रहे हैं, जहाजे चला रहे हैं, सभी अवस्थाओं में इंद्रिय तृप्ति को बंद कर दो और उस अपनी साधन व्यवस्थाओं से उस प्रभु को प्रसन्न करो। यह आपका परम कर्तव्य है, यह आपका परम धर्म है, इससे आपको परमानंद की प्राप्ति होती है, इससे ही प्रभु प्रसन्न होते हैं, इससे प्रभु रिझते हैं, यही प्रभु की सेवा है। इंद्रिय तृप्ति करना प्रभु की सेवा नहीं है कि दारू की बोतल पकड़ ली और जानवरों की गर्दन उतार के खा गए, या जुओं के अड्डों पर चले गए, या वेश्याओं के कोठों पर चले गए, या भ्रष्टाचार दुराचार रिश्वतखोरी में लगी गए, ये प्रभु की सेवा नहीं है, ये तो प्रभु के अगेंस्ट है, ये तो आततायी कर्म है, ये तो दुष्ट कर्म है, ये तो दुष्ट खड़े हैं अर्जुन के सामने, जिन्हें भगवान मराना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, दुर्योधन दुशासन इत्यादि। नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आप जहां पर भी हैं वहीं पर उनको प्रसन्न कीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सन्यासी को नहीं मिले, मिले हैं, गौतम बुद्ध भगवान कौन थे, महावीर स्वामी को मिले नहीं भगवान, चैतन्य महाप्रभु भी सन्यासी थे, महान सन्यासियों को मिले, रामा स्वामी राम स्वामी राम लाहौर वाले, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस तो गृहस्थी थे, विवेकानंद सन्यासी थे, सबको मिले, ब्रह्मचारियों को मिले, किसी भी हालत में मिले, किसी भी वेश में मिले। प्रेम कला एक ऐसी कला जिसके बिना नहीं किसी का भला, प्रेम करना सीख लो, प्रभु का प्रेम। जय गोपाल।